लेट्स स्टार्ट द जर्नी। पहली डेस्टिनेशन मेरी है लाहौर इंशाल्लाह, एंड देन फैसलाबाद, और देखते हैं कैसे गुजरता है ये सफर। एयरपोर्ट पर सन्नाटा देखकर ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, लेकिन जब टाइम देखा तो जल्दी नहीं थी, सिर्फ 25 मिनट बाकी थे। एयरलाइन मेरी सरीन है, ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ट्रैवल एजेंट इस वक्त अवेलेबल ऑप्शन में, तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरा इस नई एयरलाइन के साथ। प्लेन पर बोर्डिंग के बाद भी ऐसा एहसास हो रहा था कि शायद मैंने ये प्लेन चार्टर्ड करवा दिया है। Ladies and gentlemen, please take this attention even if you are a frequent flyer, as this will help you to understand the safety rules and features. For your safety and comfort, keep a seatbelt fastened throughout the flight as you may encounter turbulence unexpectedly. To fasten seatbelt, insert the flat nut and into the buckle and pull the strap to tighten. To unfasten, it's the latch.
एयरलाइन वालों ने कोविड की वजह से कुछ ज़्यादा ही ओवर एफिशिएंसी दिखाई और खाना ही नहीं दिया। सिर्फ एक पानी की बोतल पेट रखाया, इसलिए अब शदीद भूख लग रही थी और पेट पूजा बहुत ज़रूरी थी। ये काम कूल एंड रिलैक्सिंग प्लेस जो है ये मेरे रहने के लिए यूज़ होगी और ब्रेकफास्ट एंड डिनर के लिए। आज लकीली थोड़ा जल्दी फारिग हो गया हूँ मैं, और नॉर्मली 8-9 बज जाते हैं, इससे ज़्यादा 11-12 भी बजे हैं, तो आज शाम पहली दफ़ा देखने का मौका मिल रहा है। एटमॉस्फेयर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, पोल्यूशन बहुत कम है। आज हब्स है तो कल से बारिश की भी प्रेडिक्शन है। सबसे बड़ी बात ये, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है यहाँ पे पंजाब में। तो आज बहुत दिनों बाद शाम देखी मैंने, जब से आया हूँ आज शाम देखी है, तो मैंने कहा थोड़ा लॉन में वॉक कर लूँ तो अच्छा लग रहा है। ये पीछे रेस्ट हाउस है, यहाँ पे हम मेरा स्टे है, इसमें अच्छी जगह है, बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग। प्रोजेक्ट इज़ सक्सेसफुल एंड आई एम हैप्पी कि मैं सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करने के बाद आई एम गोइंग बैक टुडे, और नाइस एक्सपीरियंस। वापसी पर ड्राइवर ने ऑफर की कि अगर आप गुरुद्वारा ननकाना साहब देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं कह श्योर, ज़रूर, क्यों नहीं देखना चाहूँगा। तो उसने फिर टर्न मारा ननकाना साहब की तरफ। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से इन्होंने एंट्रेंस बंद की हुई थी, पुलिस वाले खड़े हुए थे गेट पे, और हम अंदर नहीं जा सके। हालांकि ड्राइवर ने कोशिश भी की किसी से बात करने की, पुलिस वाले में उसके जान पहचान थी, लेकिन उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। दिलजीत पाजी बड़े मशहूर हैं यहाँ पे, काफ़ी जगहों पर इनके हमें पैनाफ्लेक्स नज़र आए हैं।
सड़कें मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि कराची से आया हुआ हूँ। एक्चुअली कराची से आए हुए बंदे को सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है पंजाब में वो यहाँ की सड़कें हैं। दूसरा ये कि यहाँ की जो सफाई है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें कराची में फ़िलहाल नहीं मिलती। बात तो सच है पर बात है रसवाई की। दूसरे लफ्ज़ों में बात तो रसवाई की है लेकिन बात सच है। एक दफ़ा फिर वही हॉन्टेड एयरपोर्ट। सो हियर आई एम एट लाहौर एयरपोर्ट गोइंग बैक टू कराची। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। 3 डेज़ का मेरा टूर था लेकिन एक्सटेंड हो गया, काम ज़्यादा था, 5 डेज़ पे चला गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा जो था वो हो गया है, सक्सेसफुल रहा है प्रोजेक्ट मेरा। और इतने लंबे मेरे इंजीनियरिंग कैरियर में मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे इस प्लांट पे काम करने का मौका मिले, जो कि मेरी पूरी हुई और सक्सेसफुल रहा। सबसे बड़ी बात ये है, अंडर प्रेशर काम करना पड़ा लेकिन ये है कि फाइनली ये सक्सेसफुल रहा है। तो इंजॉय किया, वेदर अच्छा था और टाइम बहुत अच्छा गुजरा, लर्निंग हुई, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। तो ये एक सक्सेसफुल मेरे ख्याल में टूर था मेरा और सबसे बड़ी बात यह कि काम हो गया। तो आई एम वेरी हैप्पी और मैं बहुत खुशी खुशी वापस जा रहा हूँ। तो लेट्स गो इनसाइड। डिपार्चर लॉन्च भी ऐसा लग रहा था कि रिजर्व करवाया हुआ मैंने। अपने अलावा सिर्फ इक्का दुक्का लोग नज़र आए। वंस अगेन प्लेन फिर ऐसा लगा कि मैंने चार्टर्ड करवाया हुआ है कराची के लिए। सेम इस एयरपोर्ट पे भी वीराना। एंड सिमिलरली रिसीविंग एरिया जो था अराइवल भी ऐसा लग रहा था कि अजैन ने बुक करवाया हुआ है। हेलो।